व्हाट्स अप गाइस, दिस इज प्रियेश पटेल। मैं आज वापस आपके सामने आया हूँ मैथ्स की एक शॉर्ट ट्रिक में। हमारी शॉर्ट ट्रिक की सीरीज चल रही है जो JEE GUJCET या फिर आपकी बोर्ड की जो एग्जाम है या फिर कॉम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मास्टर डिग्री की कोई भी एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगी। बच्चों, आज मैं इंटीग्रेशन की एक शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाने वाला हूँ। हमारा फॉर्म यहाँ पे फिक्स रहेगा, dx/a² cos²x + b² sin²x। यहाँ पे cos²x एंड sin²x या फिर sin²x ना cos²x आना ही आना चाहिए, लेकिन आपको खाली याद ये रखना है कि नीचे cos² + sin² आना चाहिए, ऊपर dx, और लिमिट कंपलसरी 0 to π/2 ही होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है बच्चों, पाई लिख देना है अपॉन 2ab। आपको a और b की वैल्यू, आपके पास यहां से a² की वैल्यू होगी, यहां से आपको पास b² की वैल्यू होगी, फिर जो वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। आपको नीचे रख देना है बस, और उसका मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ कर देना है। तो बच्चों, आप सम में देखते हैं, लिमिट यहाँ पे 0 to π/2 आपको दी हुई है, 9 cos²x आपको दिख रहा है, sin²x दिख रहा है। आपको ऐसा अगर याद रखना है तो रखो कि cos के आगे जो है ab, कोई भी हो उसको ए भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो a² की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 9 हो जाएगी, और b² की वैल्यू 4, सो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो आप देख सकते हो 2ab मैंने नीचे यहाँ पे रख दिया है, और ऊपर पाई एज इट इज रखा है, तो आंसर इज 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, तो π/12 इज अवर आंसर। दूसरा सम मैंने बच्चों लिया है, सेम टू सेम आपको फॉर्म दिख रहा है, 0 to π/2, 36 cos²x, 5 sin²x, cos²x, sin²x दिख गया आपको। जो पहला है उसको आप a² ले लो, 36, और b² इज व्हाट बच्चों, 5 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 हो जाएगी। तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल गई है, तो 2ab सेम यहाँ पे जैसे हमने 2ab रखा था, यहाँ पे भी 2ab रख दो, तो 2, a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू है √5, रूट फाइव का स्क्वायर रूट बच्चों 5 होगा ना, सो स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो उसके रूट का स्क्वायर रूट निकाल दो, और ऊपर पाई एज इट इज, तो π/12 √5, 6 × 2 दैट मीन्स 12 √5 एज इट इज। मैं एक सेम सम आपको होमवर्क में दो सम दे रहा हूँ, यहाँ पे एक स्क्वायर रूट में आएगा, एक सिंपल आंसर आएगा। आप देख सकते हो कि a की वैल्यू 16 है, तो a कितना होगा, 4 होगा, और b² की वैल्यू 9 है बच्चों, तो b यहाँ पे 3 हो जाएगा। वैल्यू इस इक्वेशन में रखो और आपका आंसर लाओ। सेम टू सेम यहाँ पे a² = 3 है, तो a √3 हो जाएगा, यहाँ पे b² = 8 है, तो b क्या हो जाएगा बच्चों, √8। √8 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 2 डेट मीन्स 2√2 भी लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलेगा बच्चों, √2 ऐसे ही रहेगा। तो आई होप आपको इस शॉर्ट ट्रिक में पता चल गया होगा कि कैसे इसको अप्लाई करनी है इंटीग्रेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें शेयर कर दीजिए, और हमारी चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में बेल आइकन दबाइए, जैसे इन फ्यूचर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय, थैंक यू।